नमस्ते प्रियजन राइट एस्टो चैनल पर आपका स्वागत है आपकी मकर राशि के लिए कौन सही है कौन गलत कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन से लोग आपके हित में है तो कौन से लोगों के कारण आपका नुकसान होगा कौन से लोग आपको पसंद करते हैं और कौन नापसंद आपके विरोधी कौन है शत्रु कौन है ऐसे सवालों के जवाब इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वीडियो पूर्णता देखने पर आपके संपर्क में रहने वाले लोगों को आप सकते अगर सामने वाले की राशि आपको पता है तो आपके रिश्ते कैसे रहेंगे कौन से लोगों से रिश्ते बढ़ाने चाहिए कौन से लोगों से किस बात के लिए संभलना चाहिए को ऐसी सभी इस वीडियो में आपको पता चलेगी जीवन साथी चुनते से, मित्रता करते से, और पार्टनरशिप करने में भी यह वीडियो आपको मददगार सिद्ध होगा आपकी मकर राशि अनुसार सभी बारह राशियों के बारे में आपको बताने वाला हूं सबसे पहले इन बारह राशियों में आपके लिए सबसे अच्छी राशियों की बात करते हैं इसमें वृश्चिक राशि वाले लोग आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे के होते हैं इनके साथ किसी भी रिश्ते में आपका फायदा है इनसे किसी भी तरह के व्यवहार में आपको लाभ होगा ये लोग आपके हित में रहेंगे इनकी ओर से आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है आप जो चाहते हैं इनसे मांगिए ये लोग आपको मना नहीं करेंगे वृश्चिक राशि वाले हमेशा आपके पक्ष में रहेंगे आप सही हो या गलत हो ये लोग आपका साथ देंगे ये लोग आपके अच्छे मित्र बन सकते हैं लेकिन ये रिश्ता आपको अच्छे से बनाए रखना होगा इन्हें किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना है अगर वृश्चिक राशि वाले आपसे नाराज हुए तो आपके लिए बाधाएं खड़ी करेंगे आपकी अपेक्षाएं अधूरी रह जाएगी आपकी इच्छा पूर्ति में ये लोग रोड़ा बन सकते हैं दूसरी राशि है वृषभ वृषभ राशि वाले आपके सबसे ज्यादा प्रिय रहेंगे राशि आपके लिए बहुत अच्छी राशि है वृषभ राशि वाले लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे इनसे आपको सम्मान मिलेगा आपके सबसे ज्यादा करीबियों में से वृषभ राशि वाले लोग ही होते हैं आपके लव पार्टनर वृषभ राशि के हो सकते हैं अगर आपका मूड ठीक ना हो आप उदास हो निराश होंगे तो वृषभ राशि वाले अपने करीबी से बात करो इनके साथ कुछ समय बिताओ आपका उत्साह फिर से लौटेगा इनकी ओर से आपको खुशियाँ मिलेंगी इनके कारण ही आपकी उम्मीदें भी जागेंगी इसके बाद तीसरी राशि है कन्या कन्या राशि वाले लोग आपको पसंद करते हैं ये लोग आपका हित चाहते हैं आपके सफलता की कामना भी करते हैं आपको जीवन में प्रगति करने के लिए ये लोग सही मार्गदर्शन कर सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे ये लोग आपके बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं कन्या राशि के वरिष्ठ अगर आपके संपर्क में होंगे तो आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय करने से पूर्व उनकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए इनके साथ रहने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा इनके शुभाशिष आपके साथ रहने पर आपकी उन्नति होगी आपके सपने पूर्ण करने में कन्या राशि वालों का योगदान रहेगा इनसे आपको प्रेरणा मिलेगी यह तीनों राशियाँ वृश्चिक वृषभ और कन्या आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आपके संपर्क में ये तीन राशि वाले लोग ज़्यादा है तो समझिए आप भाग्यवान है अब आगे जो छह राशि आप बताने वाला हूं उनसे आपको रिश्ता बनाकर रखना होगा इनसे आप जैसा व्यवहार रखेंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे आपके जैसी मकर राशि वालों से आपके रिश्ते सामान्य रहेंगे इनसे आपके रिश्ते ऊपर ऊपर के ही रहेंगे कोई विशेष लाभ या नुकसान नहीं होगा लेकिन इनसे आपकी स्पर्धा हो सकती है फिर भी इनसे रिश्ता बनाए रखने में ही आपकी भलाई है आपके संपर्क में रहने वाले कुंभ राशि वालों के भलाई में आपकी भलाई होती है क्योंकि ये लोग आपकी जरूरतें पूर्ण कर सकते हैं इनके कारण आपकी खुशियाँ बनी रहेगी इनसे अच्छा रिश्ता बनाए रखना हमेशा आपके हित में रहेगा कुंभ राशि वालों का स्वस्थ रहना मजबूत रहना आपके लिए अच्छा है ये लोग आपके लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं अगर ये लोग कमज़ोर होंगे तो दिक्कत आपको होगी इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए और इनसे आपको रिश्ता भी अच्छे से बनाए रखना है अगर इनसे रिश्ते बिगड़ेंगे तो आपको इनकी कमी महसूस होगी यहां एक बात ध्यान रखना होगा इन्हें आपकी नहीं आपको इनकी जरूरत रहेगी मीन राशि वालों से अगर आप सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो उनका हित देखना होगा अगर आप उनके काम आएंगे तो ये लोग आपकी सहायता करेंगे अगर आप इनके लिए कुछ नहीं करेंगे इनके भले की नहीं सोचेंगे तो ये लोग आपको साथ नहीं देंगे इनकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है इसलिए इनसे रिश्ता बनाए रखना होगा नहीं तो आपके आसान काम भी आपको मुश्किल लगेंगे सफलता के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी मेष राशि वाले लोगों को खुश रखना होगा क्योंकि ये लोग खुश रहेंगे तो आपकी खुशी बनी रहेगी अगर मेष राशि वाले आपसे नाराज रहेंगे तो आपके काम नहीं होंगे अगर आप मेष राशि वालों से अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं तो ये लोग आपके काम आएंगे आपकी बात मानेंगे मेष राशि वाले आपके बहुत काम के होते हैं अगर आपको सुख से रहना है तो आपको बार बार इनकी खुशियों के बारे में सोचना होगा नहीं तो ये लोग आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं कर्क राशि वाले आपके लिए पार्टनर जैसे रहेंगे इनसे रिश्ता बनाए रखने के लिए आपको एडजस्टमेंट करनी होगी दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत रहेगी कर्क राशि वालों से आपका रिश्ता व्यावहारिक ज़्यादा रहेगा एक हाथ दे और एक हाथ ले ऐसी स्थिति रहेगी आप उनका बुरा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भलाई में आपकी भलाई और उनके नुकसान में आपका नुकसान छिपा रहेगा ये रिश्ता बिजनेस पार्टनरशिप या पति पत्नी का हो सकता है लेकिन इस रिश्ते में तालमेल बनाए रखने से ही दोनों की प्रगति होगी नहीं तो ये लोग आपका विरोध कर सकते हैं आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और आपको परेशान भी कर सकते हैं तुला राशि वाले आप पर नियंत्रण बनाए रखेंगे आपको गलतियाँ करने से रोकेंगे इनकी बात ना मानने पर ये लोग आपको दंडित भी करेंगे इसलिए हो सकता है आपको ये लोग पसंद ना हो लेकिन ये लोग आपके हित में ऐसा करेंगे तुला राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं ये कभी आपका बुरा नहीं चाहते अगर आप इनके काम आते हैं इनकी बात मानते हैं तो ये लोग आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपके काम आएंगे इनसे अगर आपका रिश्ता अच्छा रहा तो ये लोग आपके सपने आपकी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं लेकिन अगर ये रिश्ता बिगड़ा तो आपके प्रतिष्ठा में कमी आएगी आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अभी मैंने आपको जिन छह राशियों के बारे में बताया है वो आपके लिए अच्छी हो सकती है मतलब अगर आपके जीवन में ये छः राशि वाले लोग ज़्यादा है और उनसे आपका रिश्ता भी अच्छा है तो भी आप जीवन में सफल हो सकते हैं लेकिन अब जो तीन राशियों के बारे में मैं बताऊंगा उनसे आपको संभल के ही रहना है मतलब अच्छा तो नहीं बल्कि नुकसान से बचना है इसमें पहली राशि है मिथुन ये लोग आपके मित्र बन सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने काम के लिए आपको ये लोग अच्छे भी लगेंगे लेकिन इन पर आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते आपको इनकी मदद करनी होगी इनकी सेवा करनी होगी फिर भी ये लोग आपके काम नहीं आएंगे लेकिन अगर ये रिश्ता बिगड़ा तो आपकी मुसीबतें बढ़ाने का काम जरूर करेंगे ये लोग आपके लिए एक समस्या जैसे बने रहेंगे आपकी परेशानियों का कारण भी बनेंगे आपको बार बार इन्हें शांत रखना होगा इसमें दूसरी राशि है सिंह जो आपके लिए सबसे बड़ी शत्रु राशि है आपको सबसे ज़्यादा परेशानी सिंह राशि वालों के कारण होगी सिंह राशि वालों से आपकी कभी नहीं जमेगी आपको सिंह राशि वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे इनसे अक्सर आपके झगड़े होते रहेंगे ये लोग आपको डराने का काम करेंगे इनके कारण आपको बार बार अपमानित होना पड़ेगा सिंह राशि वाले आपके लिए नुकसान का कारण बनेंगे अगर सिंह राशि वालों से आपका पाला पड़ा होगा तो इस रिश्ते को बहुत शांति और संयम के साथ निभाना पड़ेगा अब अंतिम राशि है धनु धनु राशि वाले आपसे लाभ उठाएंगे लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करेंगे ये लोग आपके लिए एक जिम्मेदारी जैसे ही रहेंगे आपको बस इनके लिए ही करते रहना होगा धनुराशि वालों के कारण आपकी स्थिति कमजोर पड़ सकती है ये लोग आपके लिए छिपे शत्रु जैसे रहेंगे इनके कारण आपका नुकसान होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा धनुराशि वाले शांत रहे तो आप चैन की सांस ले सकते हैं इस तरह से सभी बारह राशि के लोगों को लेकर आपकी मकर राशि के लिए रिश्तों का भेद मैंने खोल दिया है लेकिन ऐसे राशि के आधार पर रिश्ते परखने के लिए आपकी जन्म राशि अनुसार सामने वाले की जन्म राशि आपको पता होनी चाहिए और अगर आपको अपनी जन्म राशि पता नहीं है तब आप अपनी जन नाम राशि और सामने वाले की भी नाम राशि जानकर लोगों को परख सकते हैं और उस हिसाब से अपने रिश्ते निभा सकते हैं आपकी मकर राशि के लिए ज्योतिष अनुसार महत्वपूर्ण विषयों पर मैं जानकारी देता रहता हूँ ऐसे ही और भी खास बातें जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए फिर मिलेंगे अभी के लिए इतना ही राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए धन्यवाद